अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? अच्छा, ये स्टर्लिंग एमिनिशन है 124 ग्रेन जो टर्किश है, और पीएफ ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। और इनके आउटलेट पे गए तो मैंने कुछ डब्बे उठा लिए सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि इनको देखें तो सही कि है क्या। तो जो एमिनिशन जो है, ये डब्बा आप देख लें, इसी तरह जो नॉर्मल गत्ते का डब्बा होता है, 50 राउंड्स FMJ, इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका अपना, इसका कोई QR कोड वगैरह भी है, और कुछ चीज़ें इंग्लिश में और कुछ इसकी टर्किश में लिखी हुई हैं। ये कम से कम सेफ्टी वार्निंग वगैरह अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, और इसी तरीके से ये तमाम उसमें ने बताया कि जी कॉपर जैकेट है, लेड कोर है, ब्रास केस है, पाउडर है, प्राइमर और क्या क्या चीज़ें हैं। और डब्बे को खोल के देख लेते हैं तो ये राउंड्स हैं इसके, अपेरेंटली तो क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और पता चलता है, और हमने रेंज पर भी फायर करके देखी है। मैंने तकरीबन अभी तक 100 तो नहीं, तकरीबन 70-75 राउंड फायर कर चुका हूँ, और रीज़नेबली एक्यूरेट भी है, और अभी तक तो मतलब 100 राउंड तो बहुत कम होता है, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं आया। मैंने दोनों स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल्स में भी की और हैमर फायर्ड में भी, तो 100 राउंड तो या 75 राउंड तो कुछ भी नहीं होते हैं, बट जनरली मार्केट में इसकी अच्छी रिपोर्ट है। मैंने ख़ुद भी ट्राई करके देखा, और एक छोटी सी वीडियो इसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा इसकी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी एडिशन है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि ये बिल्कुल जिस तरह ये PF का 9 mm या ब्लैक बॉक्स अभी है, अभी 124 ग्रेन है ये भी, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। मुझे तो उसमें जो इन दोनों में जो जितना उसका किक था या जो था वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम ऑलमोस्ट सेम है। और जनरल जनरल कंसेंसस लोगों में ये है कि इट्स वेरी गुड एमिनेशन। तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, और लोग भी ट्राई करें। जिस तरह अभी ये मेरे ख्याल में 103 का है, तो ये 139 का एक राउंड है। बहरहाल, ये तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि काफ़ी लोगों में इंटरेस्ट है इसमें राउंड में, तो स्पेशली मैं लोगों को जानता हूँ जो PF का एमिनेशन यूज़ करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, या मे भी कुछ करते होंगे कैरी के लिए, कि जिनको मैं जानता हूँ जो सीरियस इंथ्यूजिस्ट हैं, जो बड़े कंसर्न है उसके बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, और होना भी चाहिए। और वो पूछते हैं हमेशा कि कैरी में कौन सा करना चाहिए, तो कैरी में जो ऑप्शंस है, मेरे ख्याल में इसमें स्टर्लिंग बनना चाहिए, लेकिन मैं अभी इस पर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ज़रा सा 300-500 राउंड फायर कर लें, फिर उसके बाद बता सकेंगे। तो अभी राउंड का मेरा टोटल 75-100 भी नहीं पहुँचा है, तो 250 हो जाए फिर मैं शायद कुछ कमेंट कर सकूँ। बट अपेरेंटली और जो फायर करके देखा है और जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, इट्स गुड एमिनेशन। तो हमने कहा जी थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नामो टर्किश 124 ग्रेन, इसको आप ट्राई करके देखते हैं 10-1 राउंड कैसा होता है, क्योंकि अभी हम PF शूट करते रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या हालात हैं इसके। और पिस्टल हम यूज़ करेंगे HS9 कॉम्पैक्ट। थैंक यू। तो बहुत ज़्यादा तेज फायर नहीं करूँगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। और आओ, कैसा?